भरूच के नंदेलाव जीएनएफसी रेलवे फ्लाईओवर का ब्रिज का आज एक हिस्सा धराशायी होते हुए स्थानिक विस्तार में घबराहट और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। जहां 22 वर्ष पहले सबसे पहले बनाया गया वैसा रेलवे का फ्लाईओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा धराशायी होने के साथ 5 वाहन का कुर्चा होते हुए खुशकिस्मती से भारी जानहानि का हादसा टला था। आज से 22 साल पहले भरूच के नंदेलाव आरओबी के पास बनाया गया ब्रिज का कुछ हिस्सा धराशायी होते हुए स्थानिक विस्तार में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। जीएनएफसी रेलवे फाटक दहेज बाईपास रोड पर बना वैसा सबसे पहले रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा आज धराशायी होते हुए स्थानिक विस्तार में हलचल मची थी। रेलवे फाटक बंद होने के बीच पश्चिम और पूर्व भरूच में आवाजाही के लिए ये रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करते हुए सरलता बनाई गई थी। नंदेलाव ब्रिज का आज एक हिस्सा धराशायी होते हुए ये ब्रिज के मलबे में 2 बाइक, 1 एक्टिवा और 2 हाथ लारी का कुर्चा होने के साथ भारी जानहानि का हादसा टला था। 22 साल पहले नंदेलाव आरओबी का कुछ हिस्सा धराशायी और जोखमी बना था, जहां ब्रिज के ऊपर रोड की सरफेस के सरिया भी मानो बाहर निकल जाने के बाद आरएनबी द्वारा उसकी कोई भी रखरखाव और मरम्मत की कामगिरी नहीं की गई थी, जहां कभी भी गंभीर जानहानि की संभावनाओं के बीच आज आखिरकार कुछ हिस्सा धराशायी होते हुए स्थानिक विस्तार में हलचल मची थी, जिसके बाद यहां पर तमाम वाहनों का कुर्चा बाहर निकालने के बाद वहीवटी तंत्र द्वारा बचाव कामगिरी जारी की गई। दोपहर तक यहां पर भारी ट्रैफिक जाम होते हुए दहेज की ओर से आ रहे तथा सिटी में भी वाहनों की तादाद बढ़ते हुए नंदेलाव ब्रिज के पास में नए 2 लेन ब्रिज बनाने के लिए आज कामगिरी जारी करते हुए बाद ट्रैफिक को खुला करने की कामगिरी जारी की गई थी। नंदेलाव चौकड़ी पर जे रेलवे नो ओवर ब्रिज फ्लाईओवर छे एना अंदर थी फूटपाथ नो एक स्लैब नो एक मोटू लगभग 10 मीटर ऊपर नो एक गाबड़ू नीचे स्लैब नीचे पड़ी आवे छे अने नीचे त्या बाजू करीबन 3-4 बाइक्स अने 2-3 आपड़ा जे नाना नाना फेरियाओना गल्ला होय एने पण नुकसान थयुं छे। आ एक मुख्य मार्ग छे, हमणा बहु बिजी रहे छे अने खास करीने आ टाइम पर अहींया बाजू खासू बधुं अहींया बाजू ट्राफिक ने होय छे, स्कूलो छे, आजूबाजू रेसिडेंट्स एटलू बधुं छे, दहेज ने जोड़तो मार्ग ऊपर हेवी व्हीकल चालता होवाथी वाइब्रेशन ना अंदर हजी पण खासो बधो गाबड़ाओ पड़वानी शक्यता छे, तो तंत्र ने वेली ધોરણે અહીંયા બાજુ પગલાં લઈને અને ફ્લાયઓવરનું કામ ઠીક કરે કે કોઈ મોટો અકસ્માત ના સર્જાય। નંદેલાવ બ્રિજનો અમુક પોર્શન અહીંયા પડી ગયો છે, જાણ થતાં તાત્કાલિક અમે લોકો ટ્રાફિકની ટીમ સાથે આવી પહોંચ્યા છીએ। બ્રિજની ઉપર જે પણ વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે એને અટકાવવાની કામગીરી હાલ કરી રહ્યા છીએ અને વાહનોને ડાયવર્ટ કરીને ટ્રાફિક જામ ના થાય એ બાબતેની કાર્યવાહી થઈ રહી છે। સાથે સાથે આ બ્રિજનો જે બીજો ભાગ છે પાર્ટ એ પડે નહીં અને બીજા કોઈને ઇન્જરી ન થાય એ બાબતની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। થેન્ક યુ।